हेलो चैंपियन, सो वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं रैंक बूस्टर थर्ड, जो कि होने वाला है अपने फिजिकल केमिस्ट्री पे। बहुत इंपॉर्टेंट आज का ये रैंक बूस्टर है, जो आपकी रैंक को बूस्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है आपको बेसिक समझने में, ताकि आप इनसे रिलेटेड जीपैट नाइपर में आने वाले क्वेश्चंस को समझ पाए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का रैंक बूस्टर थर्ड, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रूल्स या लॉज की, जो कि सॉल्यूशन से रिलेटेड होते हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, दैट इज हेनरीज लॉ। हम बात करने वाले हैं हेनरीज लॉ की। अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं, मैं आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में मत ले जाऊं, तो मैं आपसे कहूंगा व्हाट इज हेनरीज लॉ, तो मैं कहूंगा कि किसी गैस की क्या सोलिबिलिटी है किसी लिक्विड के अंदर, ये हेनरीज लॉ बताएगा, है ना। लाइक कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, गैस होती है ना, जैसे आप उसका ढक्कन खोलते हैं तो गैस निकलती है उसमें से, तो क्या सोलिबिलिटी है उस गैस की उस लिक्विड के अंदर, दिस इज डिफाइंड बाय हेनरीज लॉ। सो हेनरीज लॉ क्या बोल रहा है, द सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, गैस की सोलिबिलिटी लिक्विड के अंदर एट अ गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। वो क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। सर इसको कैसे डिफाइन करें, कैसे समझें इसको, मैं आपसे सीधी सी बात करूं तो मैं ये कहूंगा जितने प्रेशर पे आप उसमें गैस भरेंगे ना लिक्विड के अंदर, उतना ज्यादा, ऐसा समझ लीजिए जितना ज्यादा प्रेशर पे आप उसमें गैस भरेंगे उतना ज्यादा वो उसके अंदर सोल्यूबल होगी। समझ गए हैं, छोटी सी बात अब यहां पे आपको समझ में आई। तो अगर मैं आपको सीधे शब्दों में कहूं कि अगर सोल्यूबिलिटी चेक करनी है गैस की लिक्विड के अंदर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, तो मैंने कहा जितना ज्यादा उस गैस का प्रेशर होगा, है ना, उतना ज्यादा वो उसके अंदर घुल जाएगी, है ना। और घुलने के लिए मैंने एक टर्म यूज कर ली, उसका नाम आप याद कर लो, आपको काम आएगा, मोल फ्रैक्शन, है ना। आप किसी भी गैस को किस फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल्स। मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। लाइक आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैंने कहा कि इसको मैं क्या कैसे डिफाइन करता हूं, क्वांटिटी कितनी है इसकी गैस की, तो वो मोल्स में डिफाइन होती है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस किस में डिफाइन होते हैं, मोल्स में, जैसे डजन होता है ना, किसी भी चीज की क्वांटिटी एक डजन में कितनी होती है, 12 होती है। सिमिलरली किसी भी चीज के गैस के मॉलिक्यूल्स जो 1 मोल हैं उनकी क्वांटिटी फिक्स होती है, 0.0622 × 10³। तो ये जो है फिक्स होती है, समझ गए, तो ये फिक्स होती है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, तो मैंने कहा कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मैंने कहा इसके अंदर टोटल मोल्स कितने हैं, दो तरह के मोल्स होंगे इसके अंदर, किस तरह के, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक तो होंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक क्या होंगे, एक इसके अंदर होंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अब ये सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है सर, सीधी सी बात है, सॉल्यूट से क्या मतलब है, सॉल्यूट का मतलब है जिस चीज को घोला जा रहा है ना, जैसे यहां पे गैस को घोल रहे हैं तो दिस इज सॉल्यूट, और जिसमें घोला जा रहा है, जिसमें डिसॉल्व किया जा रहा है, दैट इज सॉल्वेंट। तो दोनों के मेरे पास क्या है, मोल्स हैं, है ना, मैंने इसकी काउंटिंग ली है ना, नंबर ऑफ मोल्स ली है, तो आप जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्वेंट, तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे दोनों के मिला के, जो इसके अंदर घोला गया उसके मोल्स, और जो इसमें पहले से प्रेजेंट था उसके मोल्स। सो अगर मैं आपसे करूं बात मोल फ्रैक्शन की, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, सीधी सी बात है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस, गैस में बोलूंगा मैं, कहूंगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना, सारे कंबाइन जो भी इसके अंदर था, है ना, और ऊपर लिखे जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस। ये चीज आपको समझने की जरूरत है, देखिए इस टर्म को बहुत जल्दी यहां पे समझने की जरूरत है, जब हम हेनरीज लॉ पढ़ रहे हैं। सीधी सी बात करें तो मैंने आपको हेनरी लॉ को डिफाइन कर दिया ना, क्या है हेनरी लॉ, मैंने कहा कि जो सोलिबिलिटी है किसी गैस की किसी लिक्विड के अंदर, वो डिपेंड करेगी कि उस गैस का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्या है, जितना दबाव से आप उसके अंदर वो
भर रहे हैं, जितने दबाव से वो उसके अंदर रहती है, वो डिसाइड करेगा कि उसके अंदर कितनी अमाउंट में रहेगी। चलो मैं इसको डिसाइड करने के लिए आपको थोड़ा सा आगे लेके चल रहा था। मैंने आपको बताया कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मैंने कहा जो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है ना, किसके, दो चीजों के, सोल्यूट भी होगा, सोल्यूट तो वो है जिसको घोल रहे हैं, कौन घोल रहे हैं, हम किसको घोल रहे हैं, हम गैस को घोलना चाह रहे हैं हेनरीज लॉ में। और सॉल्वेंट क्या है अपने पास, अपने पास सॉल्वेंट वो जो अपने कंटेनर के अंदर जो लिक्विड लिया है वो है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, दोनों हो गए, कौन से, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और ऊपर क्या लिख दिया, अगर मैं ऊपर लिख दूं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, जो आपने मोल्स लिए हैं गैस के वो हमने लिए ऊपर, तो आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाता है किसका, कि भाई मोल फ्रैक्शन से मतलब क्या, हिस्सा मिल गया, किसका हिस्सा लिखा मैंने ऊपर, मोल्स ऑफ गैस की, आपको क्वांटिटी मोल्स ऑफ गैस इतनी थी, कितने में थी, इतने में थी, समझे। तो ये एक सोल्युबिलिटी के लिए एक अच्छा फैक्टर माना जा सकता है, भाई आपको अगर ये दिखा रहा है कि गैस की किसी एक पर्टिकुलर लिक्विड में कितनी सोल्युबिलिटी है, तो उसका मोल फ्रैक्शन चेक कर लो, समझ रहे बात को, क्या बताना चाह रहा हूं, मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स गैस के प्रेजेंट है, किसमें, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में, दिस इज मोल फ्रैक्शन। ये क्या डिसाइड करवाता है, सोल्युबिलिटी। ये मैंने क्यों बताया आपको, आप देखिएगा यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये प्रेशर ऑफ अ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, है ना, मैंने बताया ना, जितना ज्यादा प्रेशर से गैस होगी उसके अंदर, जितना ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ज्यादा उसकी सोल्युबिलिटी होगी, उस गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर उतनी ही ज्यादा होगी जितना उसका पार्शियल प्रेशर होगा उसके अंदर, वो अच्छे से समा जाएगी। तो ये क्या है, तो हमने लिखा पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के, सी फोर मोल फ्रैक्शन, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल फ्रैक्शन, गेटिंग माय पॉइंट, मोल फ्रैक्शन समझ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, समझ गए हैं। तो ये पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतनी गैस इसमें ज्यादा घुलेगी, उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, और इसको प्रोपोर्शनल को साइन हटा के आपके पास एक नया कॉन्स्टेंट आ गया, डेट इज के एच। So, what is P? Partial pressure of the gas. What is C? Concentration of dissolved gas. Getting my point? So, this is the way to deal with Henry's law. Solubility किसी gas की, किसी liquid में एक particular temperature पे इस बात से decide होगी कि उसका जो partial pressure है वो कितना है। ज्यादा partial pressure, ज्यादा ही उसकी solubility, ज्यादा ही उसका mole fraction उस liquid के अंदर। Getting my point? So this is about Henry's law. I hope आपने Henry's law को बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल वे में जान लिया। चलिए आपको आगे लेके चलता हूं, what is Raoult's law? Raoult's law को जानना जरूरी है। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये Raoult's law को मैं सिंपल भाषा में बात करूं, बहुत सिंपल में करके बताता हूं ताकि आप इसको समझ पाए। तो Raoult's law आपका Henry law के जैसा ही है। कैसे, वहां पे आप गैस को लिक्विड में देखना चाह रहे थे कि कितना घुलता है, अब आप लिक्विड को लिक्विड में देखना चाहते हैं कि कितना घुलता है। सो किससे डिसाइड हो रहा है, वो Raoult's law से डिसाइड हो रहा है। चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल वे होते हैं जो उड़ जाते हैं, और सॉरी हाँ वोलेटाइल वो होते हैं जो उड़ जाते हैं, और यहां पर क्या है, नॉन वोलेटाइल है, जो उड़ते नहीं है ऐसे लिक्विड। सो जो वेपर प्रेशर है ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, आपने जो चीज घोली है ना वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, अभी मोल फ्रैक्शन के बारे में बताया ना, ऑफ द सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट बीइंग द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी ए। सर इसको आप मुझे थोड़ा सा डिसाइड करके बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए दिस इज द फॉर्मूला, पहले तो आप फॉर्मूला देखिए, फिर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लेके चलता हूं, आपको बताता हूं। देखिए क्या होता है, किसी भी सोल्यूट की सोल्युबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर लिक्विड में कितनी है उसके लिए आप Raoult's law को जानना चाह रहे हैं। सो दिस इज अबाउट Raoult's law, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, एक्स ए, एक्स ए क्या है, वो ही जिसको मैं कॉन्सेंट्रेशन भी बोलता था पहले, क्या, मोल फ्रैक्शन भी बोलता था, यानी कि जो चीज आपने घोली है ना, जो चीज आपने घोली है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है वो किससे पता लगेगी, वो उसके मोल्स कितने प्रेजेंट हैं, जो चीज आपने घोली है उसमें, उसमें मोल्स कितने प्रेजेंट है सोल्यूट के, है ना भाई। आप मोल फ्रैक्शन कैसे पता लगाते हैं, मोल फ्रैक्शन आप कैसे पता लगाते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट, है ना, इन फ्रैक्शन में कितने हैं आपके पास किसी सोलवेंट के अंदर, दैट इज मोल फ्रैक्शन, है ना, तो आप उससे सोल्युबिलिटी पता लगाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सोल्युबिलिटी है ना, मोल फ्रैक्शन जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फिर वही से बात,
पार्शियल प्रेशर के, कि आपने उसे कितने प्रेशर से उसमें अंदर डाला है या फिर उसका खुद का प्रेशर कितना है, ऐसा भी बोल सकते हैं। सो तो जो सोल्युबिलिटी है किसी सोल्यूट की, दैट इज एक्स ए यानी कि मोल फ्रैक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके किस पे, उसके पार्शियल प्रेशर के। जितना ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज्यादा वो उसमें घुलेगा। चलिए जी, तो आप ये बात जान गए। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, तो आप इसको याद कर लीजिए। पहली बात तो ये आपका कॉन्स्टेंट है, दूसरी बात ये है क्या, ये आपका जो है वो टोटल जो सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, जब आप अगर आपने इसमें ये नहीं घोला था तो उस टाइम पे जो इस सॉल्वेंट का, जो इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो ये है। ये किसका वेपर प्रेशर है, ये आपका सोल्यूट का है जो आपने उसमें घोला था। चलो सिंपल करते हैं, दोबारा से एक बार और देख लेते हैं। मैंने बोला कि जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैं मोल फ्रैक्शन से डिसाइड करता हूं। मैंने कहा जितना ज्यादा सोल्यूट जो आपने घोला है उसका वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा, है ना, या फिर ऐसे बोलो जितना तेजी से मैं उसके, जितना तेजी से वो गैस उसमें प्रेशर बना रही है सॉल्वेंट के अंदर, वो वेपर प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स ए के। एक्स ए मतलब कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोल फ्रैक्शन, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट यानी कि एक्स ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वेपर प्रेशर के, उस सोल्यूट के वेपर प्रेशर के जो उसमें खोला गया है। और इसको प्रोपोर्शन को हटा के हमने एक नया कांस्टेंट यहाँ पे बनाया है पी नॉट ए, और यहाँ पे मैंने एक्स ए लिखा। आप बोल रहे हैं कि पी नॉट ए क्या है सर, मैंने कहा जब तक आपने किसी लिक्विड में, जो ये लिक्विड था अपने पास, आपने इसमें कुछ और चीजें नहीं डाली थी, सोल्यूट नहीं डाला था, उस समय पे जो इसका वेपर प्रेशर रहा था उसको मैंने पी नॉट ए बोला है, यानी कि प्योर सोलवेंट, जब तक कुछ घोला नहीं था प्योर सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, वो पी नॉट ए है। गेटिंग माई पॉइंट, सो दिस इज ऑल अबाउट राउल्ट्स लॉ। आई होप आपने राउल्ट्स लॉ को समझ लिया होगा। हेनरी लॉ में गैस को लिक्विड में घोल रहे थे, सोल्युबिलिटी चेक कर रहे थे, अब की बार आप किसको घोल रहे हैं, अब की बार आप लिक्विड को ही लिक्विड में घोलने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपने राउल्ट्स लॉ को बहुत अच्छे से जान लिया होगा। सो कोशिश ये है कि आपको फंडामेंटल्स बेसिक्स क्लियर हो जाए, फिर आप इस राउल्ट्स लॉ को, हेनरी लॉ को बहुत डिटेल में सीख सकते हैं, जान सकते हैं। सो आपको आगे लेके चलता हूं। अब आप देख रहे हैं सामने व्हाट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बड़ा सिंपल है। ये कहते क्या है कि जो एक पर्टिकुलर तरह का एक आपके पास एक जो है सॉल्यूशन दे दिया, या फिर आपको एक पर्टिकुलर तरह का मिक्सचर दे दिया गैसेस का, तो वो कह रहे हैं कि जो गैस का टोटल प्रेशर बना ना, जो गैस के मॉलिक्यूल्स दीवारों पे जो प्रेशर बना रहे होंगे ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबके इंडिविजुअल प्रेशर के। मतलब बहुत सारी गैसेस हैं और एक ही कंटेनर के अंदर है, और आपने क्या करा है उनसे जो प्रेशर बनाना, तो वो कह रहे हैं कि जो अलग अलग का बना, पहली गैस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, मतलब बहुत सारे तरह के आपने गैसेज मिलाई, नाइट्रोजन मिला दी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इस तरह से मिला दी है, तो जो उनका इंडिविजुअल अलग अलग का जो प्रेशर बनता वो सबको ऐड कर दो, तो टोटल प्रेशर उसी के बराबर होगा उस गैस का, अगर भी मिक्स हो रही है एक साथ। समझ रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है। तो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर। ईच इंडिविजुअल गैस का जो मिक्सचर है उसका जो प्रेशर है मिक्सचर के अंदर वो सब ऐड हो जाएंगे, पहले का प्रेशर P1, दूसरी गैस का P2, P3, जितने भी तरीके थे सब ऐड हो गए, तो वो टोटल प्रेशर हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आई होप आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, बेसिक तरीके से आपने हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ का अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा, और आपने साथ साथ डाल्टन्स लॉ और पार्शियल प्रेशर को भी सीख लिया होगा। तो इस रैंक बूस्टर में हमने जो चीजें सीखी हैं, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट रैंक बूस्टर में, जिसमें कि मैं आपसे बात करने वाला हूं और अच्छे और नए सिंपल वे के, जो आपको सिंपल वे में आप तक पहुंच जाए ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। सो डरने की है क्या बात, जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रैंक बूस्टर में।